ब्रह्म मुहूर्त सिंहद्वार सम्मुखर स्वागत करुच्ची जय जगन्नाथ टीवी देखुवा प्रत्येक जगन्नाथ भक्त को आपण उठी जाइंट महाप्रभु उठी जाइंट कारण महाप्रभु जितेबाला निद्रा भांगी दिंती निद्रा छाड़ जाए से प्रति जी विश्वास करुवा व्यक्ति भक्त मानक सी उठे था भावना भितर आद हेन आपण उठी निज निज घरे जय जगन्नाथ टीवी सीधा प्रसारण कार्यक्रम द्वार फिटा नीति संपन्न देखी किंतु देखी ना भक्त कहीं कुआडे गले भक्त कौन बैरिकेड भितर ठिया होती जेहेतु महाप्रभु श्रीमंदिर नीति द्वार फिटा पर आनेक नीति थाए से नीति गोटिक पर गोटे प्रथम नीति जमी द्वार फिटा नीति से मंगल आरती संपन्न होगापर भक्त मानक छड़ा जाए कि भक्त जाक्त को रखा जा कारण एकाधिक भाव एकत्रित भाव छाड़ा श्रृंखलित दर्शन हम ना तेणु किसी भक्त अच्छा आम निश्चित भाव में भक्त सहित अंतरंग आलाप अनुभूति कार्यक्रम आम बैरिकेड मधुर आज भक्त को अनुभव कथा जानवा आज दिन की पवित्र गौड़ीय वैष्णव मानक कारण आज हूँ मार्गशीर मास शुक्ल पक्ष द्वादशी जो द्वादशी कहा जाए महाप्रभु प्रति मास सहित संपर्क रही वर्ष सहित संपर्क रही पक्ष सहित संपर्क रही तिथि सहित संपर्क रही दिवस सहित संपर्क रही आज से तिथि हूँ द्वादशी तिथि गत काली थला एकादशी मुख्यतः एकादशी गौतमी एकादशी महाप्रभुंकर नीति होता आपण मैंने भी देखी थे आज हूँ द्वादशी ए द्वादशी हूँ महाप्रभुंकर श्रीमंदिर श्रीक्षेत्र श्रीमंदिर महाप्रभुंकर द्वादशी तिथि संपर्क थिले विशेष नीति नुहे कि महाप्रभुंकर पहिलो भोग नीति धनु संक्रांति ठारु मकर संक्रांति पूर्व दिन पर्यंत अनुष्ठित हुए ताही महाप्रभुंकर स्वतंत्र गोटे मास व्यापी स्वतंत्र नीति पहिलो भोग नीति किंतु आज गौड़ीय वैष्णव मानक एक मुख्य पर्व बा ये दिन की अत्यंत पवित्र गुरुत्वपूर्ण होता है कहा जाए द्वादशी हूँ व्यंजन द्वादशी बोली कहा जाए जहाँ को अखंड द्वादशी बोली कहते व्यंजन द्वादशी रे भगवान कृष्ण उपासना सहित बा भगवान कृष्ण को ये दिवस भल मंद व्यंजन सुव्यंजन आदि समर्पित था बाढ़ी दे था ये पर्व वैष्णव माने गौड़ीय वैष्णव माने विभिन्न मठ मानक श्रीक्षेत्र पालन करते विशेष भाव ये मठ मानक जो मैंने मठाधीश अच्छा सुव्यंजन प्रस्तुत कर भगवान कृष्ण को अर्पण कराए किंवदती अच्छी आज व्यंजन द्वादशी तिथि यही जे जो यशोदा चिंता कले हठात देखिले भगवान कृष्ण को कृष्ण झड़ी झड़ी जाऊँच कला काठ पड़गले मार मन कौन करे माँ चिंता कले मो पु कहीं भाव में न खाई नपी सुखी गला कला काठ पड़गला ये प्रकार भावना गोटे माँ पिला देखिकी स्नेह बांधि आसवा स्वाभाविक यशोदा माँ को से आसी चिंता कर भोर उठी भल मंद सुव्यंजन कर भगवान कृष्ण को बाकृष्ण को से खावाक यशोदा तेणु ये परंपरा को उत्कल ये जो द्वादशी परंपरा को पर्व को अत्यंत भाव निष्ठार सहित वैष्णव गौड़ीय माने मठ मानक पालन करुव्यंजन आदि विविध प्रकार श्रीक्षेत्र आज आप सीधा प्रसारण गोटे मठ रही गौर विहार माता मठ सीधा प्रसारण कार्यक्रम देखिपर आज से स्थान को गले आप देखिए बर्तमान कि आज द्वादशी प्रत्येक मठ से मठ छाड़ी प्रत्येक मठ मानक गौड़ीय वैष्णव मैंने व्यंजन द्वादशी की पालन कर जो व्यंजन को सेने बाढ़ी दे था भगवान कृष्ण को महाप्रभुंकर सेमती यशोदा निज माँ का हाथ रंधा प्रभु मासक व्यापी खाइबे पहले भोग जहाँ को कहुए आसत आज दिन निश्चित भाव आम से भक्त मानक जावा कि भाव में भक्त मैंने दिवस को बा दिन को मन रखिंट के मन रखिंट भक्ति भाव के अनुभव कार्यक्रम आरंभ करवा अनेक भक्त अच्छा भाई आप संजय कुमार महाराणा कौट आ ब्रह्मपुर ब्रह्मपुर प्रभुंकर दर्शन करेंगे आज श्रीक्षेत्र को प्रथम नुह आगुरु आसतुलु किंतु ए मुहूर्त आज प्रथम प्रथम केम चिंता कले मुहूर्त आस फास्ट आरती देखू बोली प्रथम आरती देखू बोली आसछु प्रथम आरती मंगल आरती बोली दर्शन जानी चंदी जे मंगल आरती गोटे कौन महाप्रभु हुए हाँ हुए बोली तो जानी बोली तो सकाल आसलु केम जानिले टीवी देखु दर्शन रत कौन हुए मंगल आरती दर्शन कले ना सेमती कहीं हुए
खोजिबा दरकार नै कोनो इच्छा गुटे इच्छा अछि ना से पय बोली असलो देखिया जगन्नाथ को दर्शन करबा को मन भितरे अन्य बेले प्रबल आग्रह आ हां बहुत आग्रह आ काहे के जानी एमती हुए प्रभु को सहित पचारि चंदे केबे प्रभु एक प्रकार आपन को न देखिले मन काहे एते बेकुल हो इंद्रजी ने बहुत इच्छा हो छि जगन्नाथ को देखिया पय बोली देखे जाला परे खुशी बहुत खुशी खुशी लागी था पुनी आउ थरे दर्शन करी खुशी पाइबा पर आउ केते दिन पर पुनी इच्छा हुए एमिति जेतोले इच्छा हुए सेतोले तो पुरा आसु आमे ब्रह्मपुर रेट ब्रह्मपुर आस हाउ प्रभु कर दर्शन प्रति भाव थाउ भाव तेले ही भाव ग्राही कर कृपा मिलिबो आउरे अनेक भक्त ना कोंटे कइ मोना भवानी गंस भवानी गंस कोटु आस ब्रह्मपुर ब्रह्मपुर आपण केते बेल उठिया रे एक घंटा हलानी दर्शन पाइबे ए मनोबल रहिछि आसीचु तो एत दूर दर्शन करी ही जीवु आशा नहीं कि आसचु पूरा आउ सका दर्शन नहीं आम सब माने खुशी दब बोले आम गोटे आसचु सका दर्शन दब प्रथम दर्शन सका दर्शन खुशी ही दे थाए सब बड़े आनंद लगे महाप्रभु कि मुहूर्त निरा अलग अनुभव दे थाए महाप्रभु के राग मन भितर आनंदनी कहीं एत समय ठिया ना प्रभु आसुनि नहीं आमर तो पूरा माने आमर तो संस्कृति है जगन्नाथ संस्कृति आम पूरा जगन्नाथ को पूरा समर्पित राग कौटी रहा महाप्रभु को देखले तो बहुत खुशी भल कथा कहले जगन्नाथ संस्कृति जगन्नाथ परंपर राग बोली किसी ना जो मैंने रागि कि क्रोधी भी क्रोध भी पल समर्पित हृदय महाप्रभु को कहीं समर्पित गले प्रभु जगन्नाथ हेले आप देखु सारा विश्व रे एमती गोटे प्रभु आप कौटि भी देखी नए जहाँकि आम सारा उड़ीसा सारा उड़ीसा नहीं सारा भारत रे आप देखते जगन्नाथ गोटे एमती गोटे चारिधाम भितर गोटे धाम जोटा कि आम एटी सब प्रकार लोक ये आम आस दर्शन ठीक टाइम मिले आ समस्त बहुत खुशी की जाती सेटा आमर है परंपरा आ जगन्नाथ संस्कृति जगन्नाथ पाख को जी आसी बिना दर्शन जाइनी कि बिना उपास न खाई जाए घटना गोटे कहले जगन्नाथ को नहीं ए प्रकार घटना मन रखिंट दिन से दिन जगन्नाथ को आप डाक महाप्रभु आपणकर डाक शुणी आपण जा सेमती तो सब बड़े मु जगन्नाथ को डाके एमती गोटे घटना घटी मोर गोटे माने मु भावी जे मोर गोटे जिनसटी हम बोली मु भावी कि टाइम मुला कि प्रभु जगन्नाथ को मुझे डाकिया मोर से सक्सेस होता आ मु सब बड़े सेबू आज जाए मु जगन्नाथ को पूरा मो जीवन समर्पित प्रथम डाक महाप्रभु शुणी सफलता देखते जीवन रफलता पाई बोली प्रभु को भूलिबे नहीं अभुला मन बा अतुट संपर्क भक्तिर संपर्क महाप्रभु पाखे रखे सब रहा मु सक्सेस ना भी मु भगवान पाखे सब समर्पित आबूिया सबूिया आमर साढ़े चार कोटी ओडिया साढ़े चार कोटी ओडियांकर महाप्रभु हेले श्री जगन्नाथ आ समस्त आस्था अच्छी महाप्रभु जगन्नाथ को उपरे ओडियांकर परिचय हेला महाप्रभु जगन्नाथ ओडियार परिचय महाप्रभु जगन्नाथ आस्था भी रखि था प्रत्येक जगन्नाथ भक्त धन्यवाद देवी भक्त बंधु देखते आहरी अनेक भक्त कौटू आसते सर मुलेपुर निश्चिंतु आ निश्चिंत कहली सालेपुर ए मुहूर्त आसी प्रभु को दर्शन करवा मन भितर तो महाप्रभु आपन को डाकि आनी चंद कौन कहे भाव कौन अनुभव कौन ये कहले आज्ञा बार वर्ष ते मु तो प्रति वर्ष प्राय आसे आगुरी बैक रे आसे एवं कितु कार कर पिला बड़ हिरणी बैक आसीहुनि मु बार वर्ष ते आसती ठाकुर दर्शन कली दर्शन कर फेरी जा मो स्त्री मत कह ठाकुर भोग कल तुलसी ना कि तीन सौ पंसठ दिन घर तुलसी रखी ठाकुर पाए कहला आउ तुलसी आण मु नना कती जा जस्ट बारिकेट कर तुलसी आने को जगन्नाथ कतर जन नना मत लगे रही जा तू
ସେ ତୁଳସୀ ନେଇ ନା ତୋ ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ତୁଳସୀ ପଠାଉଛନ୍ତି, ତୁ ନେଇକି ଯିବୁ, ରହ ଅପେକ୍ଷା କର। ମୁଁ ଗୋଟେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲି, ସେ ନନା ଜଣକ ଆସିଲେ ମୋତେ କୋଡ଼ିଏ ତୁଳସୀ ଦେଇଦେଲେ। ମୁଁ ଧରିଲି, ଯାହା ଥିଲା ନନାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଦେବା କଥା ମୁଁ ପକେଟରୁ ବାହାର କରିଦେଲି। ତାପରେ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଆସି ଦେଖେ ତ ସେ ତୁଳସୀ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ଅଛି। ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ମୋ ଦେହ ପୁରା ଥରି ଉଠିଲା, ଏବେ ବି ମୋ ଦେହ କମ୍ପନ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ତାକୁ ଫେରେଇବି ନା ରଖିବି, ଏମିତି ବହୁତ ଭାବିଲି। ତାପରେ ଚିନ୍ତା କଲା, ଠାକୁର ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆକୁ କେବେ ଫେରେଇବିନି, ନେଇଯିବି। ମୁଁ ନେଇଗଲି, ଏବେ ବି ମୋ ଠାକୁର ଘରେ ଠାକୁରଙ୍କର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ ପିତ୍ତଳ ଗଢ଼ୁଦରେ ମୁଁ ତାକୁ ରଖିକିରି, ଯେମିତି ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା ନୀତିକ୍ରାନ୍ତି ଆମର ଡେଲି ଆମେ ଯେତିକି ଜାଣିଛୁ କରୁଛୁ, ସେ ନଡ଼ିଆକୁ ମୁଁ ଏବେ ବି ରଖିଛି, 12 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। 12 ବର୍ଷ କାଳ ଆପଣ ଭଗବାନ ଦେଇଥିବା ସେଇ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଉପାସନା କରୁଛନ୍ତି, ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର କଥା, ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି। ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପାଇବା ଏ ଅଭ୍ୟାସ, ପ୍ରତିଦିନ ମୁଁ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପାଇବି, ଆଉ ମହାପ୍ରସାଦ ମୋ ଠାକୁରଘର ଅଛି, ମୁଁ ସେବା ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା ସାରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରେନି। ମୁଁ ସବୁଦିନ ରାତି 4:30-5 ଭିତରେ ଉଠେ, ଗାଧାଏ, ଗାଧୋଇ ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା ସାରିଦିଏ, ସାରିଦେଇ ସେ ତୁଳସୀ ଟିକେ ମହାପ୍ରସାଦ ଟିକେ ପାଇଲା ପରେ ମୁଁ ପାଣି ପିଏ। ତୁଳସୀ ଜଳ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ପାଇବା ପରେ ଆପଣ ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ଜଳ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥାନ୍ତି, ଏ ପ୍ରକାର ମାନସିକତା ଚିନ୍ତାଧାରା କ'ଣ ପାଇଁକି ଆସିଲା? ଏମିତି ସ୍ୱଚ୍ଛାକୃତ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ସେ ମୋତେ କେହି କହିନାହାନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହେଇଛି, ଠାକୁରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି ମୁଁ ସେବେଠାରୁ ଚାଲିଛି। ଆଉ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିହାତି ମୁଁ 3-4 ଥର ନ ଦେଖିଲେ ମୋତେ କାହିଁକି ଭଲ ଲାଗେ ନା, ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥାଏ କେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସିବି। ଆଜି ଦିନ ବି ମୁଁ ଆସିବି ବୋଲି ଜାଣିନଥିଲି, ମୋ ଝିଅ ବମ୍ବେରୁ ଆସିଲା, କହିଲା ବାପା ଯିବା, ମୁଁ ଚାଲ ଯିବା, ଯିବା ମାନେ ଯିବା, ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଉଠିଛି ମାନେ ଆଉ ସିଏ ନ ସରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଜି ରାତି 2:00 ଆମେ ଉଠିଛୁ, 2:15 ଉଠି ଘର କାମ ସାରି ଠାକୁର ଘରେ ଖାଲି ଟିକେ ମୁଁ ଧୂପ ଦେଲି, ଠାକୁରଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗି ଆଇଛି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସେବା କରି ମୁଁ ଯାଉଛି ତୁମକୁ ଦେଖିବାକୁ, ତୁମ କତିରୁ ଫେରେ। ସେବାରେ ଯଦି କୌଣସି ବିଳମ୍ବ ହୁଏ, ତ୍ରୁଟି ହୁଏ, କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କ୍ଷମା ମାଗେ। କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଶୁଣନ୍ତୁ? ହଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ବାପ ପୁଅକୁ କ୍ଷମା କରିବେ ନା କିଏ କାହାକୁ କ୍ଷମା କରିବ? ପ୍ରଭୁ ଯେ ମୋ ଦେବତା, ମୋ ବାପା, ମୋ ଗୁରୁଜନ, ସିଏ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ ନା କିଏ କ୍ଷମା କରିବ? ପୁଅ ଯେତେ ଅଝଟ ହେଲେ ବି, ଯେତେ ଦୁଷ୍ଟ ହେଲେ ବି, ବାପା ମା ତାକୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତି, ପୁଣି ଆଦର କରିଥାନ୍ତି। ବଢ଼ିଆ କଥା, ସୁନ୍ଦର କଥା। ତୁଳସୀ ପତ୍ର ନିର୍ମାଲ୍ୟକୁ ଟିକେ ଫେରି ଆସିବା ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟାସଟି କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଆମର ଅଗଣିତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭକ୍ତମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଶବ୍ଦ ବି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ଭାରତବର୍ଷରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ତୁଳସୀ ପତ୍ର ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଜଳ ପାଇବା ପରେ ଯେତିକି ବର୍ଷ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ ଅଭ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି, ଅନୁଭବ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏବେ ନିରୋଗୀ, ମୋର କୌଣସି ରୋଗ ନାହିଁ। ମୋତେ ମଝିରେ କହିଲେ ସୁଗାର ହେଉଛି, ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ହେଉଛି, ମୋର ନାଁ ନାହିଁ, ମୋର କିଛି ହେଉନି, ମୁଁ ତ ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଉଛି, ମୋର କାହିଁ ହେବ, ମୁଁ ଏବେ ସେ ଆରାମସେ ଅଛି। ତୁଳସୀ ପତ୍ର ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଜଳା ଜଳ ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିକି ନିଜେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ଅଛି ବୋଲି। ଏଇ ଭକ୍ତିର ସମ୍ପର୍କ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ରଖିଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ହିଁ ରଖେଇଛନ୍ତି, ଏ ଅନୁଭବ କେବେ ଆସିଛି? ହଁ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ସବୁବେଳେ, କେବେ ନୁହେଁ, ସବୁବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମନେ ପଡ଼ିଛି, ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି, ହୁଏତ ନ ମନ ପଡ଼େ, ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଅବସର ନେଇଛି, ବସିଛି, ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଭାବିଛି, ସେବେଳେ ମୁଁ ଚାନ୍ଦିଛି, ଠାକୁର ମୋର ଅଛନ୍ତି, ମୋର କିଛି ନାହିଁ, ଯେତେ ଅସୁବିଧା ମୁଁ ଆସିଛି, ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ବୁଝିବ, ମୋର କିଛି ନାହିଁ, ମୋର ତ ତ୍ରୁଟି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଛି, ମଣିଷ ମାତ୍ର ତ୍ରୁଟି ଅଛି, ମୁଁ କେଉଁଠି ତ୍ରୁଟି କରିଥିବି, ତେଣୁ ତ୍ରୁଟି ଆପଣ ସୁଧାରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣ ସୁଧାରିବେ। ତ୍ରୁଟି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ଅନୁତପ୍ତ ମୋ ପାଖରେ ବି ଅଛି, ସବୁ ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ କଥା ଆପଣ ବୁଝିବେ, ଆପଣ ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ, ଏକଥା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୁଝିଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ କହେ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଶାନ୍ତିରେ ରଖ, ଖୁସିରେ ରଖ, ଆଉ ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଯେତିକି ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ବହୁତ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଖାଲି ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବି। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଜସ୍ର ହୋଇଯିବ, ଘର ଦ୍ୱାର ଅଜସ୍ର ହୋଇଯିବ, ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଅଜସ୍ର ହୋଇଯିବ, ପିଲା ଛୁଆ ଅଜସ୍ର ହୋଇଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ଅଲଗା, ଶାନ୍ତି ଶବ୍ଦ ଅଲଗା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସାର୍, ଶାନ୍ତି ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଦିଅନ୍ତି। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ତ ଆପଣ ଖଟିଲେ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ଖଟିଲେ ପାଇବେନି, ଶାନ୍ତି ହିଁ କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ହିଁ ଦେବେ, ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ଶାନ୍ତି ଦେବେ, ଶାନ୍ତି ଆଉ ଦାତା କେହି ନୁହନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ପକ୍ଷରୁ। ଯଦି ଶାନ୍ତି ଖୋଜିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୋଜିବା, ଶାନ୍ତି ଇଚ୍ଛା କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିବା, ଏ ଭାବଭକ୍ତି କଥାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ନା କିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ବାରିକ। କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଭଦ୍ରକରୁ। ଭଦ୍ରକରୁ? ଭଦ୍ରକରୁ। ଆଜି କେମିତି ଚିନ୍ତା କଲେ ପୁଣି ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶୀତ ଦିନ ଘରେ ରେଜେଇ ବେଡ଼ସିଟ୍ ଘୋଡ଼େଇ ହେଇକି ଶୋଇଗଲେ ଆଉ ଉଠିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି, ଏ ଭାବଧାରା କିଏ ଲଗେଇଲା, କାହିଁକି ଲାଗିଗଲା?
ଯାହା ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଲୀଳା, ଆଉ ଆମେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଯାହା ବି ହେଲେ ସଡନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ହେଲା, ଆସିଗଲେ ବାସ୍। ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ଭିତରେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଲୀଳାକୁ। ନାଇଁ, କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ, ଏ ଭକ୍ତିର ସମ୍ପର୍କ? ଏଇଟା ତ ଟୋଟାଲ ମୋର ପାଞ୍ଚ ଥର ହେଲା ବାସ୍। ପାଞ୍ଚ ଥର ଭିତରେ ଯେତେ ଥର ବି ଆସିଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହିଁ ପାଇଛି, ଏଇଟା ମୋର ଭାଗ୍ୟ। ଯେତେ ଥର ବି ଆସିଛି, ଯେତେ ଥର ଆସିଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ ପାଇଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତି। ମହାପ୍ରଭୁ କେବେ ବିନା ଦର୍ଶନରେ ଫେରେଇ ନା ବାସ୍। ଏତିକି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଯାହା ବି ହେଲେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସୁଛି କିଛି ବି ହେଲେ। ଏ ଯେଉଁ ଭାବ ଆସୁଛି ହୃଦୟ ଭିତରେ ଦର୍ଶନ ପାଇଗଲା ପରେ, ଦୌଡ଼ିକି ଆସୁଥିବେ ଏତେ ବାଟରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ଦର୍ଶନ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପାଇଲେ, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ରହିପାରନ୍ତିନି। ସେ ମୁହଁରେ କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି, ଆଖିରେ କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି, କିଏ ରହିପାରନ୍ତିନି। ଆପଣ କେମିତି ସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି? ମୁଁ ତ ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ଥର ବି ଆସି ବାସ୍, ଯେମିତି ପ୍ରକାରରେ ବି ହେଲେ ତ ମୁଁ ଦର୍ଶନ ପାଇଛି, ଦର୍ଶନରେ ଆନନ୍ଦ। ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଦିନକର କହିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିନାହାନ୍ତି, ତା ମାନେ ମହାପ୍ରଭୁ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ସୁଦୃଢ଼ ରହିଛି। ଏଇ ଭକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଘଟଣା, ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ମନେ ପକାଇଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ ସେଠି ଠିଆ ହେଇକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କରୁଥିଲି, ତ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଘରେ ରାଗି ଯାଇଥିଲି। ମୋ ପାଖରେ ସେତେବେଳେ 200 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତ 200 ଟଙ୍କା ଯେତେବେଳେ ଥିଲା, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ରାଗିକି ପଳେଇ ଆସିଲି କଟକ। କଟକରେ ଗୋଟେ ରାତି ରହିଲି ଷ୍ଟେସନରେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଖାଇଦେଇଥିଲି କିଛି ପଇସା, ଆଉ ପାଖାପାଖି 100 କେତେ ଟଙ୍କା ଏମିତି ଥିଲା। ତାପରେ ପୁରୀ ଆସିଲି ଟ୍ରେନରେ, ଆସିଲି ପଇସା ପାଖାପାଖି ପୁରୀ ଆସିଲା ପରେ 50 ଟଙ୍କା କି 60 ଟଙ୍କା ଏମିତି ଥିଲା। ତ ପଇସା ନାହିଁ, ମୁଁ ଘରକୁ ବି ଯାଇପାରୁନି, ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ବି ପଇସା ହେଉନି, ଖାଇବି ପାରୁନି କିଛି, 60 ଟଙ୍କାରେ ବି ଖାଇବି ପାରୁନି। ମୁଁ ସେଇଠୁ କ'ଣ କଲି, ଭିତରକୁ ଗଲି, ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଗଲି। ତ ଯାହାକି ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି, ଯେଉଁ ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ କେହି ମାନେ ଭୋକା ବି ହୁଅନ୍ତିନି, ବସିଲି ଯାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ବସିଲି। ଏମିତି ବସିଛି, ଭୋକ ବି ଲାଗୁଛି। ତ ଏମିତି କିଏ ମାନେ ଗୋଟେ ଏଜେଡ୍ ଲୋକ ଆସିଲେ, ତ ତା ଭିତରେ ଫଳ ଅଛି କିଛି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତ ମୋତେ ଦେଇଦେଇ ପଳେଇଲେ। ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ କାହିଁକି ଦେଉଛନ୍ତି? ତ କହିଲେ ଆପଣ ଖାଇଦେବେ, ମୁଁ ଏଇଟା ଘରକୁ ନେଇପାରିବିନି, ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କିଛି ଅଛି, ତ ଆପଣ ଏଇଟା ଖାଇଦେବେ। ବାସ୍ ସେଇଦିନ ଜାଣିଲି ଯେ କି ମୋ ପ୍ରତି ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ବାସ୍। ଏଭଳି ଘଟଣା, ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ, ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ପରିସ୍ଥିତି ସେଇ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ଘଟେ। ଆପଣ ଭୋକ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅର୍ଥ ନାହିଁ, ମାଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ବସିଛନ୍ତି। ସେ ଜଗମୋହନରେ ଯିଏ ବସିଯାଏ, କେଉଁଠୁ ନା କେଉଁଠୁ ସଂସାରରେ ସେ ଯେଉଁଠି ଥାଉ ତାକୁ ଅନ୍ନ ମିଳିଯିବ, ଯେଉଁଠି ଅନ୍ନଦାତ୍ରୀ ମାଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ବସିଛନ୍ତି, ମାଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରକୁ ଫେରିଛି। ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ କହିଛନ୍ତି ଏ କୃପା, ଏ ଭାବ, ଏମିତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଥାଉ, ମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ କହିଲେ? मैं भोपाल से आया हूँ, भोपाल एमपी, गोपेंद्र शर्मा। भोपाल का? भोपाल, भोपाल एमपी, 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 एमपी से। एमपी मतलब? एमपी मतलब मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। पहली बार आया? पहली बार आया, 19 तारीख को आए हैं। अब यहाँ से जाने की इच्छा नहीं हो रही है, इतना आनंद आ रहा है। और अब यहाँ से गंगा सागर जाने का प्रोग्राम है, और बहुत अच्छा लग रहा है। डेली आके जो है ना दर्शन हो जाते हैं प्रभु के, जगन्नाथ स्वामी के। वैसे तो हम लोग वृंदावन जाते हैं, लेकिन यहाँ पहली बार आए हुए हैं। वृंदावन तो आप दर्शन किए हैं, लेकिन पहली बार के ये श्रीक्षेत्र धाम को अलग कुछ मन अनुभव होता है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। वो वहाँ से यहाँ और अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। और बढ़िया जो है ना, यहाँ का तो दृश्य देख के ही जो है ना आत्मविभोर हो जाते हैं। हम सब लोग आए हुए हैं, यहाँ नीलांद्री में जो है ना कथा चल रही है संतोष जी महाराज चतुर्वेदी जी की, उसमें हम लोग आए हुए थे, तो हम लोग यहीं ठहरे हुए हैं। और बाकी आपका गला में एक जप माला है, मुना भी है, हर टाइम प्रभु का नाम है? जी जी बिल्कुल। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त जो कहलाता है, सुबह 4 बजे उठ के स्नान ध्यान करके। किसी का नाम आप लेते हैं? कृष्ण का नाम, राम का नाम, ना जगन्नाथ जी के नाम? वो सब पूरा कृष्ण का नाम भी लेते हैं, राम का भी लेते हैं, हनुमान जी का भी लेते हैं, देवी जी का भी लेते हैं। एक एक माला सबकी करते हैं, एक एक माला सभी देवी देवताओं की करते हैं। जो भी पंचदेव हैं, वो पंचदेव की सबकी एक एक माला करते हैं।
जगन्नाथ स्वामी में पहली बार आए हैं तो अब यहाँ का देखते हैं कौन सा यहाँ का जाप सही रहता है, तो वो फिर आगे इसमें। पहली बार तो आप आए हैं, भगवान जी जगन्नाथ जी जी को आप कितनी बार मन में पुकारते हैं प्रभु जी आपका क्षेत्र को मेरे को ले जाइए? बहुत, वो मन में चलता रहता है, मन में चलता है। अगर किसी काम में व्यस्त हैं तो वो ध्यान नहीं आता है, बाकी जब फ्री रहते हैं तो वो चीज़ दिमाग में आती रहती है, वो दृश्य आता रहता है दिमाग में। दृश्य आके जो है ना आँख बंद करते हैं, जैसे दृश्य आता है उस समय उनको याद जरूर करते हैं, ऐसा बड़ा आनंद आता है। बड़ा आनंद मिलते हैं क्षेत्र में। बहुत बहुत धन्यवाद। भक्त मैंने से ही भावप्रवण तार सहित जितेबाद देखुंत आप ना कौन? ना अशोक सेनापति। अशोक सेनापति कौट आस जाजपुर टाउन। जाजपुर टाउन आज एमती चिंता कले जाए ब्रह्म मुहूर्त रे दर्शन करेंगे। से तो ब्रह्म मुहूर्त को तो ठाकुर को तो पाइबा को से भाया ये दरकार भक्ति दरकार तो बस बस गोटे चिंताधारा ने चल जावा बुले आस प्रभु कतर पलि आसने छुआ पा धरिकी आओ पिला छुआ को धरी प्रभुंर आशीर्वाद ने दर्शन करेंगे। ये संसार भितर रे मिछ माया संसार प्रभु को आम निश्चित भाव खोजा दरकार कौन कहे अनुभव कमी कर शुणु। मोर अनुभव है मुझे जिते बड़े 2013 मसीह मु मानने पुह हबारे पुह हबार मुझे आसीपार नी आम से सान भाई आमर से सान भाई कीर्तन दल नहीं आसे कह भाई आस जा मुझे ये तुम भाज दि तो भल ना ये असुविधा कहला तुम्हें ठाकुर जगह को डाक जगह को डाक पुहटे गले आम जा जाओ ठाकुर दया प्रभु दया पुहटे गला तो मुझे आसी मझे आज छुआ पा धरिकी आसी अपार करुणा से चाहिए बसते भी उठी आसी पारे आज्ञा प्रभुंर अपार करुणा से अपार करुणु आम भितर जिते आम पाखे पहुँचे महाप्रभु ही करुणा को दे था करुणा भंडारू से आपड़े पूरी आसी भारी खुशी अच्छे आज्ञा पूरी आस बहुत खुशी अच्छे ठाकुर को दर्शन करवा बहुत खुशी समस्त आज्ञा खुशी तो रे ये खुशी ठाकुर खुशी क्षेत्र जीवन भितर प्रभु को खोजी से मुहूर्त आसी प्रभु कही ना प्रभु भावना सृष्टि कर खोजापाई दे सुजोग शुणु सी तो कहवा तो आम तो पाइबानी मार्ग को आसवाक आमको से जन्म सात जन्म नवा पड़ा आज्ञा तो जाइए जी भक्ति भाव तो प्रभु को चाहचु तो प्रभु देखिं तो से दया है चरण तले आशीर्वाद मान महाप्रभु को खोजिले पाइबानी कितु भक्ति कले भक्ति तो कले निश्चय पाया कि अंतर भक्ति कले ऑटोमेटिक से देखा देवे सर अंतर भितर भक्ति बाह्य भक्ति थाए हाँ निश्चय थाए मुपर कह भर कह आकाश पाला सी भितरटा को देखे ऊपरटा को देखे ना से प्रभु प्रभु केवे जगन्नाथ मो जगन्नाथ ऊपर को देखनी कहीं ऊपर मुह मान भक्त मुखा पिंधिकी अनेक भक्त था आज्ञा 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 सी तो तांकर तो सी तो तांकर डेडा कीड़ा सी तो से कहली ना से अपार करुणा से जो बाटे हेले आपन को देखा देबे से जो रूप हेले भी देखा देबे जदि से बड़ी मनर भक्ति थाए मनर भक्ति मनर अंतर भितर प्रभु का नाम आप प्रकृत आमर जो महामंत्र कहतु अष्टपरी कहतु गोटे आध्यात्मिक परिवेश आप भाग नि हाँ आमर कीर्तन दल अच्छा आमर मधुगणेश कीर्तन मंडली अच्छा बखाणपुर जाजपुर टाउन रो आमे भी आसू कीर्तन दल नहीं प्रत्येक वर्ष आम आसू आम अच्छा कीर्तन मंडली दल अच्छा जिते बड़े कीर्तन संकीर्तन आप बसती नाम करती भाव लगे से तो संसार कौन आम निजे जापरुना कीर्तन मंडप ओल्ल आसला पर संसार अच्छी आम जापर कीर्तन मंडल भितर आमको संसार अच्छे आम मानने संसारिक बोले आम जापरुना से संसार करी संसार भितर संसार कष्ट स्पर्श न करे केवल जिते बड़े तुंड प्रभुंर नाम शुणु से नाम नाम नेला बेले आमको देखा जाए ना से प्रभु ही देख आम प्रभु को ही देखी पारू जे प्रभु आपण चरण तले कोटि कोटि माने ये तो से कीर्तन चरण तले शरण से चरण तले शरण गले सब प्राप्त आज्ञा सर आज्ञा आज्ञा आ कीर्तन मंडल तले रहिला माने हमर तो संसार संसार कोन आमे जानि परना कि सहिला परे जाई आमे जानु जे हां हमर संसार किछि अछि। आज मंदिर को आसी कालियार दर्शन हब धोती चादर ए सब पारंपरिक वस्त्र आमर ये तो आमर पारंपरिक सनातन धर्म रा एटा होछि मेन
आमे मंदिर आसला पर आम धोती आ सब जिनस आवश्यक ये वस्त्र पिंधा द्वारा कौन अनुभव करते अलग हाँ निश्चय अलग प्रत्येक प्रत्येक ड्रेस किसी अलग ये था धोती पंजाबी कुर्ता पिंधिले एमती प्रभुंर ठीक डोरी टिके लगे भक्ति भाव टिके लगे वस्त्र परिधान प्रभाव निश्चित भाव आज्ञा 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 धोती पिंधा मान ही आम सनातन धर्म जेकोसी राम मंदिर हूँ आप मंदिर हो जगन्नाथ मंदिर हो जो से मनोभाव सार टे अलग हो जाए बहुत बहुत धन्यवाद देवी जय जगन्नाथ टीवी पक्षर एमती खुशी महाप्रभु रखु एमती पारंपरिक वस्त्र पिंधि श्रीमंदिर को बड़देवल को आसतु महाप्रभु को दर्शन करतु ए वस्त्र पिंधार से जो आनंद से जो अनुभव आपत पात अन्न पात एक कथा भी कहते निश्चित भाव में जिते बड़े देखिए आप ना टे कौन कहले कौट आद्रक कौन कहते भद्रक आपन को आम देख आप आगे ठिया होती ये भावना महाप्रभु आप आगे रखिं आगे दर्शन देवे जिते बड़े आप पूरी के आसी पहुँची गले कमी अनुभव कमती कौन से अनुभव तो कही हेनी ना तेणु से जो खुशी से जो आनंद तो मनीष कही पार नहीं से कहले भी कि मनीष ये न कही पारे अनुभव करे महाप्रभु को अनुभव कर महाप्रभु आपन को अनुभव भाव दे दिनक मन पकड़े महाप्रभु को आज खोजुं खोजा पूर्व महाप्रभु आप पहुँची जा से आई हेनी से खुशी महाप्रभु को तो कुंडे पकेवा को मन हम ताक तो हूँ कह भी हेनी से जो भावना मनीष भाई कुंडे महाप्रभु सुजोग से आलींगन कर मानने छयासी बागर है छयासी आसी प्रभु पाद स्पर्श कर मुहूर्त एबि भूलना ना एबि भूलि से दिन आनंद आउ जीवन रे पाई ना पाई नै केबे भी पाई नै चाहि जीवो उत्तर पाई नै आउ त से सुजोग आसु ही नै सुजोग आसीबो निश्चित आमे भाबीबा सुजोग महाप्रभु देबे नै सुजोग आसीबो त से दिन घटना आउ थरा प्रभु दियो बोली केबे प्रभु को प्रार्थना बहुत थोर कहि छी बहुत थोर कहि छी बहुत थोर भी चेष्टा कर छी किंतु मिली नै से सुजोग आउ केबे प्रभु को सहित भक्ति रे संपर्क आपे आपे आसे ना महाप्रभु गोटे भाव सृष्टि करो नहीं नहीं से आपे आपे आसे से भाव तो सृष्टि आपे आपे तो आसिले तो हबी हबो ना से भाव आसिले तो आपे आपे हबो निश्चय इच्छा भक्ति भाव जते बले आसे निश्चित भाव रे प्रभु को दर्शन करिवार मार्ग खोली जाए निश्चिंत निश्चिंत हां खोली जाए जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ तंक पखरे जहा हूँ धन्यवाद देवी आपन को अनेक अनेक भक्त सहित जिते बड़े देखुं महाप्रभुंर से बारिकेड्रे भक्त अच्छा कौन ना हरिओम 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 निरंजन ब्रह्मपुर निरंजन ब्रह्मपुर पाने समस्ते मथार चिता समस्त बेकर गोटे गोटे जपरमाला ये परिवार जपमाला समर्पित आम सारा जीवन भगवान सेवार समर्पित आमे कृष्ण भक्त आमे इस्कन रे मिसीचु आमर हरिकृष्ण महामंत्र नौ आम पचिश माला प्रतिदिन नौ चार्ट आज उठू मंगल आरती दर्शन करूँ भगवान नाम नौ गुरु को प्रणाम करूँ ये इस्कन फाउंडर श्री प्रभुपाद जे कि सारा पृथ्वी रे हरे कृष्ण सारा पृथ्वी रे रथ यात्रा रो जो ज्ञान देले ये शिला प्रभुपाद जे इस्कन रो फाउंडर आचार्य निश्चित भाव रे प्रभु हृदय भितर लीला करंत ए अंतर प्रभुंकर ए शरीर प्रभुंकर ए अंतर भितर प्रभु को पाइचंत केबे दिल से हां निश्चित भाबे से दृढ़तार सहित जगन्नाथकर महिमा तो अनंत जगन्नाथंकर बिना हमर अस्तित्व किछि नहु जगन्नाथंकर बिना अस्तित्व किछि नाही तेणु पिला मानुको मु कहिबे हमर से पिला मानुको भी टिके देखै दियंतु ताक मथारे चिता देखंतु से पिला मानुको देखंतु किबळी भाबरे समस्त गोटे गोटे जपमाला
जपमाला भितर समस्त मथार चिता परिवार समस्त महाप्रभु पाखे समर्पी जाइंटे महाप्रभु तक समर्पण भाव देखते पाने से मैंने कहते से पर मुरबी से कहते प्रभु आम अस्तित्व किसी ना प्रकृत प्रभु पाखे जप कले हाथ में जप करवा दरकार ना मनरे जप करवा दरकार जप मनरे जाए मन जपर ही कराए आम जो मन जप नाम नौ हरेकृष्ण महामंत्र जे कि चैतन्य महाप्रभु निजे कही भगवान नित्य से बड़ भक्त थे सी कही भगवान जप करने हरेकृष्ण महामंत्र नापाई कली काल हरिनाम सन्नीय प्रभु जगन्नाथ को स्मरण कर तुम सब पाप सब दुखर आ भवसागर तुम ताई पार तो आम सब जगन्नाथ से ही जगन्नाथ से ही कृष्ण से ही राम सी ही सब से विभिन्न रूप से विभिन्न लीला कर लीलामय गुणमय आम सब चिंतन करवा दरकार बिना आमर कौन अस्तित्व नहीं देखी देखी दर्शन पाई आम जीवन ये चली जाऊ पा आपण देखी देखी जीवन जाऊ आपणकर जीवन सरीगला कि भविष्य पाने जो टिकी टिकी पा आस बेकर गोटे गोटे तुलसी माला बेकर गोटे जप मुणा या महाप्रभु को दे चिंता कहीं आस संस्कार ओडिशा रे रही वैष्णव परिवार रे रही जदि प्रभु जगन्नाथ महिमा आम जापर ना तेज आम जीवन वृथा से आम प्रभु जगन्नाथ कृपा रो आम ये ज्ञान पाइल जे सब निजे भगवान भक्त हो ता सह सह निजर संतान मान को भी भगवान भक्ति दि भगवान सेवा करने दि दर्शन पाइ आ तुलसी माला पिंध तुलसी तुलसी माँ होती भगवान बड़ भक्त कंठ धारण कले मन भक्ति भाव आसे भगवान कहते मोर दर्शन अपेक्षा मोर भक्तर दर्शन मो सेवा अपेक्षा मोर भक्तर सेवा कर से मुझ खुशी हब ये भगवत गीतार भगवान स्वयं श्रीकृष्ण कही से आम भगवान दर्शन सह सह जी ब्राह्मण नित्य सेवक ये एम दर्शन भी आम जीवन कृथार्त हो जाए से आम कौन भगवान दर्शन करनु भगवान सह सह नित्य सेवक जो पंडा मान अच्छा ब्राह्मण मान अच्छा से जीवन भी आम निजक सार्थक मन कर भगवान एक स्वरूप होक्त निजे भगवान निजे शास्त्र में वर्णना कर वैष्णव संप्रदायर आज दिन कौन आज हूँ द्वादशी नेक्स्ट दिन कल द्वादशी ना कि अच्छे कृष्णा व्यंजन द्वादशी है अखंड द्वादशी है जपमाला कीर्तन हर टाइम एक द्वादशी है व्यंजन द्वादशी आपका संप्रदाय जो गौड़िया वैष्णव संप्रदाय का मुख्य पर्व है आपण मानक मुख्य पर्व आज कौन करती क्या उपासना कर उपासना तो आम केवल जगन्नाथ को ही करू हाँ उपासना तो आम सब जगन्नाथ को ही करूँ द्वादशी भी आम भगवान को ही दर्शन करूँ किंतु जो एकादशी पर द्वादशी बेला रहे समय अच्छे तार सात आज हूँ व्यंजन द्वादशी अखंड द्वादशी बोली से गौड़िया वैष्णव संप्रदाय कृष्ण को बाल गोपाल रूप से पूजा कर सुव्यंजन आदि विविध प्रकार व्यंजन जशोदा माँ जमी आज कृष्ण अपेक्षा करता माँ हाथ रंधा खावापी से कृष्ण भाव को जशोदा स्नेह ममता को नहीं वैष्णव संप्रदाय मैंने आज प्रत्येक मठ से उत्सव मुखर पालन कर जानते हरे कृष्ण आज भल गोटे भल जिन कहले जीवन तो ज्ञान तो बहुत अधिक आम तो गोटे समुद्र ज्ञान भाया गोटे बिंदुर ज्ञान आम पाखे अच्छी तो आम चाहू आम वैष्णव पर भगवान प्रत्येक भक्त विभिन्न मध्यम विभिन्न उपाय आमको ज्ञान दे था से ज्ञान को ग्रहण कर जीवन को कृतार्थ मन कर निश्चित भाव आज प्रभुंर कृपा पर आसी प्रभु दर्शन दिखते प्रभु तो आपण आर कर महाप्रभु आपणार कले संसार आउ कौन आपणार कर आवश्यकता दरकार ना हाउ ब्राह्म मुहूर्त आज खुशी अच्छा बहुत खुशी अच्छी
दिनुड़ी बाई को दर्शन करी भगवान मते गोटे मस संपूर्ण सुजोग दे जा मोर सी काम भी करू मोर दर्शन भी नित्य करू तो मुझे बहुत बड़े भाग्यवान कर दिनुड़ी बाई दिने दिन के दर्शन करी एवं मस संख्या रही भगवान को दर्शन करें सेवा भी करें तो निज बहुत कृतार्थ मन कर भगवान मत एम सुजोग दे था एमती भक्त मान दर्शन करूबी एमती चकाढ़ दर्शन करती दर्शन कर जीवन कृतार्थ कहतु जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जोर से जय जगन्नाथ। भक्त बंधु आम आसी सिंहद्वार सम्मुखर जत भक्ति भाव विश्वास नहीं कि जत समे अनुभूति कथा कहते आम से अनुभूति निजे अनुभव कले महाप्रभु आसतु भक्त अनुभव शुणला भक्त मन व्याकुता रही चंचल है महाप्रभु डकरा महाप्रभु आसला भक्त मैने महाप्रभु को दर्शन करने को जी बारिकेडर व्यवस्था देखुंत से स्थितर पिस्थित देखुं आरक्षी बाहन मैंने भक्त को छाड़ापी आरंभ कले भक्तर जो अपेक्षा करते भक्त मैंने प्रभु सहित मिसबे प्रभु को दर्शन करेंगे से मुहूर्त देखिए आज केमी अनुभव करेंगे बास्तव में जड़े भगवान को भक्त भगवान को किभली भाव में चाहे भगवान किभली भाव में भक्त को चाहती यही जो मुहूर्त यही जो दृश्य को भगवान निजे आपन को देखेबे जय जगन्नाथ टीवी सीधा प्रसारण कार्यक्रम ए दृश्य देखा दृश्य देखिक आम निश्चित भाव अपेक्षा कर ब्रह्म मुहूर्त आज मार्गशीर मास शुक्ल द्वादशी तिथि सूर्य नारायण को दर्शन करेंगे से सूर्य को दर्शन करवा पुण्यता लाभ करवा निरोग आरोग्य रहा प्रार्थना करवा सूर्य नमस्कार करवा तीर्थराज महोदधी कूल को जीवाक हम निश्चित प्रतिदिन आपण मान भी से कूल को जाते मानसिक स्तर में आज भी जीवा आसतु पारंपरिक भजन सहित पतित पावन देवंकर तो नीति चली दृश्य देखा ए दृश्य देखिकी तीर्थराज महोदधी कूल को जा आज सूर्य नारायण दर्शन करवा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।